हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम अपने लास्ट लेक्चर में आईयूपीएसी नेमिंग एंड कॉमन नेमिंग ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स कर चुके। आज हम डिस्कस करेंगे प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, कि एल्डिहाइड और कीटोन्स को हम कैसे बना सकते हैं। तो ये जो प्रिपरेशन है वो हम तीन तरीके से स्टडी करेंगे। तो जो फर्स्ट आएगा वो फर्स्ट होगा कॉमन मेथड्स, कॉमन मेथड्स फॉर प्रिपरेशन ऑफ बोथ, फॉर प्रिपरेशन ऑफ बोथ। ऑफ बोथ का मतलब एल्डिहाइड और कीटोन। कुछ ऐसे मेथड हैं जिन मेथड से एल्डिहाइड भी बन सकता है, कीटोन भी बन सकता है, पर हमने कार्बन के चेंज के अंदर कुछ थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, बाकी रिएजेंट बिल्कुल सेम रहेगा। ठीक है, तो फर्स्ट आता है इसके अंदर फ्रॉम एल्कोहल, फ्रॉम एल्कोहल, कि हाउ कैन वी मेक एल्डिहाइड और कीटोन फ्रॉम एल्कोहल। तो हम ये अपने लास्ट चैप्टर अल्कोहल, फिनोल और इथर वाले में पढ़ चुके कि जो अल्कोहल है उस अल्कोहल से एल्डिहाइड और कीटोन्स बनाए जा सकते हैं। ठीक है, अब अल्कोहल से भी एल्डिहाइड और कीटोन बनाने के दो मेथड हैं। फर्स्ट आते हैं हमारे पास बाय ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, बाय ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, क्लियर है, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। तो अब हमारे पास जो अल्कोहल है उसका ऑक्सीडेशन करवाएंगे और वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, या तो एल्डिहाइड के अंदर या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर। अब हमारे पास जो अल्कोहल है वो अल्कोहल कौन सा हुआ, प्राइमरी अल्कोहल, तो उसका ऑक्सीडेशन करवाएंगे और किसमें कन्वर्ट होगा, एल्डिहाइड में। बट यहां पर जो याद रखने वाली बात है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम हमेशा लेंगे पीसीसी इन डाइक्लोरोमीथेन। ठीक है, आप CH2Cl2 जो नॉन पोलर सॉल्वेंट है इसको भूलोगे नहीं, क्योंकि यही वो सॉल्वेंट है जो एल्डिहाइड की एक्टिव साइट्स को बाइंड करता है और इस एल्डिहाइड को फर्दर कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होने से रोकता है। अगर पीसीसी को एक्वस मीडियम में लेते तो फिर कन्फर्म कार्बोक्सिलिक एसिड ही बनता। बच्चे क्या गलती कर देते हैं, सिंपल पीसीसी लिख देते हैं, तो वहां पर आपके मार्क्स कट हो सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखोगे पीसीसी क्या होता है, ये सब हम अपने लास्ट लेक्चर्स में पढ़ भी चुके हैं पहले। सेकेंडरी अल्कोहल हुआ, हम उसका ऑक्सीडेशन करवाते हैं, तो यहाँ पर कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले सकते हो, लाइक KMnO4, K2Cr2O7, PCC, CrO3, कोई भी ले सकते हो, क्योंकि जो कीटोन होता है वो कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर कन्वर्ट नहीं होगा। कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड में तभी कन्वर्ट होगा जब हम उसको हाई टेम्परेचर पे गर्म करें, ठीक है, एनर्जी दे उसको, जबकि एल्डिहाइड है वो बहुत जल्दी से ऑक्सीडाइज हो जाता है। इसलिए हमें जब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेंगे तब हमें सोचना पड़ेगा कि कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेंगे। तो अब हम सेकेंडरी अल्कोहल लेके चल रहे हैं, तो कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आप ले सकते हो और हमेशा ही प्रोडक्ट क्या बनेगा, कीटोन बनेगा। प्राइमरी अल्कोहल हुआ तो एल्डिहाइड, सेकेंडरी अल्कोहल हुआ तो आंसर क्या हो जाएगा, कीटोन। ठीक है, फॉर एग्जांपल, एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे अब प्राइमरी अल्कोहल ये हो गया हमारे पास, कोई भी एग्जांपल ले लो। प्राइमरी अल्कोहल का मतलब कि जो अल्फा कार्बन होगा, मतलब ये फंक्शनल ग्रुप हो गया, ये फंक्शनल ग्रुप डायरेक्ट इस कार्बन से जुड़ा हुआ है ना, ये कार्बन डायरेक्ट सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा हुआ, डायरेक्टली एक कार्बन से, तो ये कौन सा हो गया, प्राइमरी अल्कोहल हो गया। अब मैं जब इसका ऑक्सीडेशन करवाऊंगा विद पीसीसी इन डाइक्लोरोमीथेन, देन इट कन्वर्ट्स इनटू एल्डिहाइड एंड नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आल्सो रिमेन सेम, ऑक्सीडाइज हो गया है ना, सिंपल सी रिएक्शन। सिमिलरली सेकेंडरी अल्कोहल है हमारे पास, सेकेंडरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज होगा, किसी भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का आप यूज कर सकते हो, कोई बाउंडेशन नहीं है। KMnO4 इन बेसिक मीडियम इज कॉल्ड बेयर्स रिएजेंट एंड पीसीसी इज कॉल्ड कोरे रिएजेंट। तो जब हम इसको रिएक्शन करवाएंगे किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, कीटोन के अंदर। बन गया हमारे पास है ना, मतलब मेथड सेम रहा बिल्कुल, सिर्फ हमने क्या किए, जो रिएक्टेंट्स थे
उनमें हमने थोड़ा सा चेंज किया और आंसर आ गया हमारे पास। सेकंड आता है बी, बाय डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कोहल। तो बिल्कुल सेम, आप ऑक्सीडेशन को डिहाइड्रोजिनेशन भी बोल सकते हो, क्योंकि ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, और डिहाइड्रोजिनेशन का मतलब भी क्या हुआ, सेम ही। तो डिहाइड्रोजिनेशन, डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कोहल। तो अब इसका मतलब क्या हुआ, डीई का मतलब रिमूवल और हाइड्रोजन हो गया, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड डिहाइड्रोजिनेशन, एंड एल्कोहल डिहाइड्रोजिनेशन इन फॉर्म कार्बोनिल कंपाउंड। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास प्राइमरी एल्कोहल हुआ और यहाँ पर कैटालिस्ट हम क्या लेके चलते हैं, कॉपर, और उसको हीट करेंगे 573 केल्विन पे, ठीक है। तो प्राइमरी एल्कोहल हुआ तो क्या बन जाएगा, यहाँ से एल्डिहाइड बनेगा। और अगर हमारे पास सेकेंडरी एल्कोहल होता है और हम उसका डिहाइड्रोजिनेशन करवाते हैं कॉपर एट टेम्परेचर 573 केल्विन, देन इट विल फॉर्म कीटोन, ठीक है। प्राइमरी एल्कोहल फॉर्म एल्डिहाइड, सेकेंडरी एल्कोहल फॉर्म कीटोन, वो क्या बना लेगा, कीटोन बना लेगा। देखो अभी रिएक्शन, फॉर एग्जाम्पल CH3CH2OH एंड टेम्परेचर इज 573 केल्विन। अब डिहाइड्रोजिनेशन, अब हाइड्रोजन कहाँ कहाँ से निकलेगा, जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है एक हाइड्रोजन वहां से और दूसरा हाइड्रोजन अल्फा पोजीशन से, ठीक है। H2 रिमूव हो गया और क्या बन जाएगा, CH3CHO प्लस हाइड्रोजन गैस। सेम अगर ये तो कौन हो गया, प्राइमरी अल्कोहल, इसी तरीके से हमारे पास कौन होता, सेकेंडरी अल्कोहल होता, ठीक है। हम उसकी रिएक्शन किससे करवा रहे हैं, कॉपर, और टेम्परेचर है 573 केल्विन, ठीक है। फिर से क्या होगा, हाइड्रोजन गैस रिमूव हो जाएगी और क्या बना लेगा, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, याद है। तो जो प्रोडक्ट है वो लगभग बिल्कुल किसके जैसा है, ऑक्सीडेशन के जैसा ही है। बस आपने ध्यान क्या रखना है, आपने ये जो रिएजेंट हमने लिए है, ये रिएजेंट आप ध्यान करके चलोगे कि अगर रिएजेंट में गलती हो गई तो फिर पूरी रिएक्शन ही गलत हो जाएगी, ठीक है। सेकंड आता है हमारे पास फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड से हम एल्डिहाइड और कीटोन कैसे बना सकते हैं, तो ध्यान रखना। कई बच्चे क्या कर देते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन कर देते हैं, पर वो गलत हो जाएगा, क्योंकि जब भी कार्बोक्सिलिक एसिड का रिड्यूस करेंगे, रिडक्शन करेंगे, तो वो डायरेक्ट किस में कन्वर्ट होता है, अल्कोहल में। रिएक्शन एल्डिहाइड या कीटोन के ऊपर नहीं रुकती है। तो सेकंड आता है बाय या फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड, फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। और इसमें भी दो रिएक्शन है, फर्स्ट है बाय कैटालिटिक डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, डिकम्पोजिशन का मतलब जानते हैं, कैटालिटिक मतलब इन प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट। अब इस रिएक्शन में भी एल्डिहाइड और कीटोन दोनों बनते हैं, एल्डिहाइड कब बनेगा ध्यान रखना, इफ, अब हम इसमें दो कार्बोक्सिलिक एसिड लेकर चलेंगे, इफ वन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इज फॉर्मिक, मतलब मिथेनोइक एसिड इज फॉर्मिक एसिड, then it will form aldehyde, ठीक है, and otherwise क्या बनाएगा, keton। otherwise मतलब कि अगर उन दोनों में से कोई भी formic acid नहीं हुआ तो, ठीक है। example देखो आप, हमारे पास जैसे ethanoic acid है, ठीक है, दो मॉलिक्यूल्स लेने हमने,
रिएक्शन मैग्नीज ऑक्साइड कैटालिटिक डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन के लिए एनर्जी चाहिए, हम उसको हीट करेंगे, ठीक है। और यहाँ से क्या भार हो जाएगा, जब हम इसको हाई टेम्परेचर पे गर्म करेंगे तो CO2 गैस इवॉल्व होगी प्लस वाटर रिमूव हो जाएगा, और क्या बचेगा पीछे, CO2 गैस प्लस H2O वाटर एंड प्लस क्या रह गया, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, क्या बन गया ये, कीटोन बन जाएगा। ये आंसर आ गया अपना। अगर हमारे पास जो एसिड हम लेके चले हैं अगर उनमें से कोई भी फॉर्मिक एसिड नहीं है तब वो क्या बनाएगा, वो कीटोन फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। अगर क्या कहता है, अगर उनमें से कोई एक फॉर्मिक एसिड होता तो कंफर्म है वो क्या बनाता, एल्डिहाइड बनाता, कैसे देखो। बट इस केस में क्या होगा, एल्डिहाइड तो बन जाएगा बट साथ में मिक्सर फॉर्मेशन होगी। मिक्सर फॉर्मेशन क्यों होगी भाई, जैसे मैंने एक फॉर्मिक एसिड ले लिया और दूसरा कोई दूसरा एसिड ले लिया, हीट करूंगा, बट इस रिएक्शन में क्या होगा कि जब मेरे पास रिएक्शन मिक्सचर है उसमें मैंने दोनों को लिया हुआ है, फॉर्मिक एसिड भी है इथेनोइक एसिड भी है, तो क्या इस फॉर्मिक एसिड को पता है कि भाई तुझे सिर्फ इथेनोइक एसिड के साथ ग्रुप बनाना है। अगर मैं इसके 5-5 ड्रॉप्स या 10-10 ml कुछ भी लेके चल रहा हूं तो इसके लाखों है ना अनकाउंटेबल मॉलिक्यूल्स होंगे, तो हो सकता है ना कि वो मॉलिक्यूल खुद के साथ रिएक्शन कर जाए, ये मॉलिक्यूल खुद के साथ ही पेयरिंग बना ले, या ये दोनों आपस में पेयरिंग बना ले। मतलब कि जब भी दोनों मॉलिक्यूल्स अलग अलग होंगे तो कंफर्म है भी उनमें से एक अगर फॉर्मिक एसिड है तो एल्डिहाइड तो बनेगा बट प्योर वो कंपाउंड नहीं बनेगा, वो मिक्सचर की फॉर्म में बनेगा। हो सकता है कि इसके जैसा मॉलिक्यूल अपने साथ रिएक्शन कर जाए, ये अपने साथ रिएक्शन कर जाए, या फिर ये दोनों आपस में रिएक्शन कर। तो हम जो इसमें जो हमारे पास जो यील्ड आएगी वो बहुत ही कम होगी क्योंकि इसमें एक मिक्सचर फॉर्मेशन होगी, ठीक है। बट नॉर्मली मैं इसका आंसर क्या लिखूंगा, यहां से फिर से क्या निकल जाएगा, CO2 plus H2O, ठीक है, CO2 रिमूव प्लस H2O और साथ में क्या निकल जाएगा, CH3CHO बन गया ना, एल्डिहाइड प्लस CH3CHO, ठीक है। लिखने के लिए लिख दिया हमने ये, बट ध्यान रखना इसमें दूसरे प्रोडक्ट भी बनेंगे, ठीक है। ये खुद के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, कीटोन बनाएगा ना। अगर ये अपने जैसे किसी के साथ रिएक्शन कर गया और ये अपने जैसे किसी के साथ रिएक्शन कर गया तो फॉर्मल्डिहाइड बना लेगा। मतलब क्या क्या बन सकता है, प्लस फॉर्मल्डिहाइड प्लस एसीटोन, एक प्योर कंपाउंड नहीं मिलेगा। मतलब हम बनाना तो ये चाह रहे थे बट साथ में टू प्रोडक्ट्स और आ जाएंगे, हमारे पास एक मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट बन जाएंगे, क्लियर है। तो ये होगी हमारे पास कैटालिटिक डिकंपोजिशन। दूसरा मेथड आता है कार्बोक्सिलिक एसिड में ही, बाय डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। डिस्टिलेशन का मतलब ये बस सिंपली हम उसको हीट करेंगे, ठीक है, किसको, कैल्शियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बाय डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या मतलब हुआ, डिस्टिलेशन गर्म करना, कैल्शियम साल्ट मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बेस कार्बोक्सिलिक है, तो पहले हम कैल्शियम साल्ट ही बनाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एसिड, एसिड प्लस बेस, यहां से मुझे क्या मिलने वाला है, 2OH नेगेटिव आयन, यहां से मुझे क्या मिलेगा, 2H पॉजिटिव, H पॉजिटिव OH नेगेटिव न्यूट्रलाइजेशन, H2O भार, और क्या बच गया यहां से, RCOO नेगेटिव, RCOO नेगेटिव कैल्शियम 2 पॉजिटिव, है ना, ये आ गया हमारे पास। तो ये वाले चीज तो हमने ये लेना है, कैल्शियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। साल्ट का मतलब एसिड प्लस बेस, एसिड कौन होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड, और बेस कौन रहा होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो मुझे क्या करना है, इस कंपाउंड का डिस्टिलेशन करना है, ठीक है। तो देखो क्या बनेगा इसमें, आर सी ओ ओ, RCOO कैल्शियम,
इसको हीट करेंगे, सिंपल कोई कैटालिस्ट नहीं है, सिंपल डिस्टिलेशन करवाना है, तो किसमें टूटेगा ये, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, CaCO3 प्लस RCOR, क्लियर है। अगर यहां पर R की जगह एक हाइड्रोजन भी होता तो क्या बन जाता, एल्डिहाइड। अगर एक भी हाइड्रोजन नहीं है तो कीटोन है ये, है ना, जैसे HCOO क्या बाहर आ जाएगा जब इसको डिस्टिल करवाएंगे, कैल्शियम कार्बोनेट रिमूव एंड वी गेट HCH, सिंपल है ना। और अगर इस H की जगह कार्बन की चेन होती तो क्या बच जाता, CH3CO CH3 CaCO3 फर्दर भाग CH3CO CH3 कीटोन आ जाएगा, ठीक है। तो सिंपल सी रिएक्शन है, मतलब मेथड एक ही है बट उसी मेथड से दोनों की फॉर्मेशन हो सकती है, एल्डिहाइड भी बन सकते हैं और कीटोन भी बन सकते हैं, ठीक है। तो आज हम ये दो प्रोसेस ही कर रहे हैं, बाकी की जो प्रोसेस है फ्रॉम हाइड्रोकार्बन वो हम अपनी नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।